कई महीनों तक सेवन करने के लिए विभूति रूपी औषधि की किसी को जब देने की जरूरत होती, तब बाबा कहते, कल गांव जाने से पहले एक खाली बर्तन ले आना। फिर बाबा द्वारा बर्तन को ऊपर उठाकर उसकी किनारी पर अपने दिव्य हस्त से प्रेम से स्पर्श करते ही बर्तन विभूति से भर जाता। प्रायः भक्त समूह के बीच, चाहे बाबा कहीं भी हों, चित्रावती तट पर हों, वेंकटगिरी का कैवल्य नदी तट हो, केरल का केवलम तीर हो, तमिल प्रांत का कन्याकुमारी स्थान हो, वगैम्यार की रेत राशि हो, गोदावरी मध्य के द्वीप हो, या कोई भी स्थान हो, वहां बैठकर रेत से विभूति निकालकर उसका चूर्ण कर भक्तों में बांटते। वो रेत उनके हस्त स्पर्श से परिमल पूरित भस्म यानी सुगंधित विभूति बन जाती। मिट्टी का ढेर चिकने सुगंधित भस्म रूप में परिवर्तित हो जाता। बाबा के संकल्प से परिचित केवल उनका हाथ ही नहीं, वरन उनकी विभूतिमय दिव्य देह भी अनेक बार देखने मिली। विजयदशमी के दिन वे जब पुष्पालंकृत होकर जुलूस के लिए वाहन में बैठते, उनके भाल प्रदेश पर, गालों पर, कपड़े पर विभूति देखकर हजारों लोगों ने आश्चर्य का अनुभव किया है। कई बार उनका अपनी देह को ज्यों की त्यों वहीं छोड़कर भक्तों पर अनुग्रह के लिए अन्य स्थानों को सूक्ष्म शरीर द्वारा प्रयाण करते समय उनके शरीर के पास बैठकर निरीक्षण करते हुए भक्तों ने ललाट से, मुख से या अंगूठे से निकलते हुए विभूति के प्रवाह को देखा है। प्रोफेसर एन कस्तूरी ने स्वयं अनेक बार इस महा अद्भुत दृश्य को देखकर भय का अनुभव किया है। उनके दाहिने हाथ के अंगूठे से भक्त के ललाट पर स्पर्श होना भी ऐसा ही होता, क्योंकि उससे उत्पन्न विभूति उस ललाट पर शोभायमान होती। इतना ही नहीं, उनके अंगूठे का स्वप्न में भी दिखाई देना दिव्य है, क्योंकि जागने पर देखें तो ललाट पर विभूति नजर आती। स्वामी अमृतानंद ने एक दिन स्वप्न में देखा कि बाबा ने जाकर मुट्ठी भर विभूति का प्राशन कराया, चौंकते हुए जागने पर देखा मुंह में विभूति। अनेक बार अपने भक्तों के साथ रहने के प्रमाण के स्वरूप बाबा विभूति को उन भक्तों के पूजा गृह में बिखेर देते हैं अथवा उनके कमरे में विभूति की पुड़िया रख जाते हैं। शिरडी साईं अवतार के समय अग्निकुंड से निकाली हुई उदी ही विभूति है। संजीवनी, सर्व भाग्य प्रदायिनी, सर्व बाधा निवारणी, उस उदी का महत्व एवं सत्य साईं अवतार की विभूति का महत्व एक समान है। सन 1958 नवरात्र महोत्सव, उस समय की वे घटनाएं आज भी आंखों के सामने साकार हो उठती हैं। तेलंगाना प्रदेश के एक गांव से पुटपर्ती आए हुए एक रेड्डी युवक को एक तार आया। तार में लिखा था कि श्वशुर को तीव्र ज्वर और पक्षाघात भी हुआ है, तुरंत लौटिए। बाबा से जाने के लिए आज्ञा मांगने पर बाबा ने कहा, नहीं नहीं, दशहरा पूर्ण होने पर जा सकते हो। फिर दूसरा एक एक्सप्रेस तार आया, बाबा के चरण छूकर जाने के लिए याचना की। बाबा ने उत्तर दिया कि ठीक है, केवल तुम ही जाकर आओ, अपनी पत्नी को अपने बांधवों के साथ पूजा अर्चना भजन इत्यादि के आनंद का अनुभव लेने के लिए यहीं रहने दो। उसके श्वशुर के लिए बाबा ने एक पुड़िया विभूति की भेज दी। दूसरे दिन रात को प्रायः 8:15 का समय था। संभाषण करते करते बाबा ने पीड़ित ससुर के विषय की ओर बात छेड़ी, दी हुई उस विभूति की पुड़िया के विषय में भी कुछ कहा। फिर झट से बाबा उस भक्त के परिवार की ओर घूमकर बोले कि अरे अरे, वो रेलगाड़ी उस स्टेशन पर तो रुकती ही नहीं, वो आज योजना अनुसार रात को 9 बजे ससुर के घर नहीं पहुंच सकेगा। सब विस्मय से भयभीत होकर वहीं बैठे रहे। इसके बाद बाबा शरीर छोड़कर चले गए। लगभग 30 मिनटों में बाबा वापस शरीर में लौटे। मैं स्वयं उसे विभूति लगा आया हूं। दामाद महोदय रेलगाड़ी में ही ऊंग रहे हैं,
कहकर बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े। किसी एक ने कहा, विभूति प्रसाद रखी हुई पोटली कोई चुरा लेगा, ये भी वो भक्त नहीं जानता, गाड़ी में बैठकर मजे से झपकियां ले रहा है। तब बाबा ने कहा, जब मेरा दिया हुआ प्रसाद उसमें रखा है तो उस पोटली को चुराने का कौन साहस कर सकता है। दामाद की पोटली में रखी हुई विभूति मैंने ही वहां से लेकर ससुर को लगाई है। बेचारा कल जब वो पोटली खोलेगा तब उसका चेहरा बड़ा दर्शनीय होगा, कहते हुए बाबा हंसने लगे। उस रेड्डी के पुटपर्ती लौटने पर श्री कस्तूरी जी ने स्वयं बस स्टॉप के समीप पूछा, क्यों भाई, स्वामी का प्रसाद ससुर के ललाट पर लगाया कि नहीं, वे अब कैसे हैं? उसने कहा, क्या बताऊं मिस्टर कस्तूरी, लगता है कि वो सारी विभूति बाबा ने ही अदृश्य कर दी। पुड़िया खोलकर कागज उलटने पर भी विभूति का एक कण भी उसमें दिखाई नहीं दिया। मगर कुछ भी हो, हमारे ससुर भाग्यवान हैं, बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर विभूति भी लगाई, अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। प्रशांति निलयम में स्थित शिरडी साईं बाबा की प्रतिमा का वर्ष में 2-3 बार बाबा विभूति अभिषेक करते। बर्मा देश की सुंदर कलाकृति में बने हुए एक घड़े में विभूति का सृजन कर अभिषेक किया जाता। उस घड़े यानी कुंभ को विग्रह के ऊपर उल्टा कर बाबा अपना दिव्य हस्त उसके अंदर घुमाते। आश्चर्य की बात तो यह है कि केवल एक कुंभ भरकर ही नहीं, किंतु कभी 10-15 या कभी कभी तो 20 कुंभ के बराबर मात्रा में विभूति उनके दिव्य हस्त स्पर्श से वह अक्षय रूप में गिरती ही रहती। जब तक बाबा स्वयं रुकते नहीं तब तक वो बरसती ही रहती। बाबा से भक्त संकल्प मात्र से केवल विभूति ही नहीं किंतु सब वस्तु पा सकते हैं। बाबा ने हंसते हंसते बताया, ये सब मेरे साईं स्टोर में मेरे लिए पहले से ही सिद्ध रहते हैं। मेरे कार्यकर्ता निमिष मात्र में मेरी आवश्यक वस्तु ला देते हैं। कैसी भी बारीक शिल्पकला क्यों न हो, कर्म कौशल क्यों न हो, मेरे कार्यकर्ता सब कुछ कर सकते हैं। नयनों को सुशोभित, कर्णों को सुश्राव्य या अन्य कुछ भी हो, मेरे कार्यकर्ता क्षण में करते हैं। एक बार एक संगीत शास्त्र विशारद का सम्मान करते हुए एक स्वर्ण चंद्रक प्रदान करने का बाबा ने संकल्प किया। बाबा ने हाथ घुमाया और स्वर्ण चंद्रक उत्पन्न हुआ। सबको दिखाते हुए, इसे प्रदान करता हूं, कहते कहते, हां इस पर नाम नहीं लिखा है, कहकर चंद्रक हथेली पर रख फूंक मारकर मुट्ठी खोली। आहा, महान आश्चर्य! भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा विद्वान श्री टी चौड़ैया को प्रदत्त भेंट इस प्रकार अत्यंत सुंदर रीति से अंग्रेजी भाषा में उस चंद्रक में कुरेद कर लिखा हुआ था, वो भी दिनांक के साथ। देखा तुम लोगों ने, मेरे कार्यकर्ता कितने चतुर और उद्योगी हैं। यूं प्रशंसा कर बाबा ने चौड़ैया को वो चंद्रक देकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया।